अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। धरने में कहा गया कि 22 दिसंबर को थाना गलशहीद क्षेत्र में ब्राह्मणी की निर्मम हत्या की गई, जिसमें अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया या निशाने खड़े होते हैं। पुलिस को इस मामले में लापरवाही बरतते हुए एक महीने से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए। ज्ञापन में मांग की गई है एक सप्ताह में मामले का खुलासा किया जाए, मुस्लिमों को जेल भेजा जाए, पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। स्मार्ट साउंड। मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा। आज किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन? ये भाई जो 22 तारीख की घटना घटी थी, दोहरा हत्याकांड हुआ था शहर मुरादाबाद में, सनसनीखेज घटना, बहुत बड़ी घटना थी, उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। हमने पीछे अल्टीमेटम दिया था, इन्हें ज्ञापन दे के, जिन साहब को भी ज्ञापन दिया था, एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया था, और उसमें हमने बताया था, इन्हें 10 दिन का समय दिया था केस को खोलने के लिए। तो केस अभी तक बिल्कुल नहीं खुला, कोई भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। बाकी पुलिस जो जिस प्रकार से इन्हें उल्टा उस केस में फंसाना चाह रही है, वो कह रहे हैं कि राहुल ने महावीर के मारा और महावीर ने बाद में सुसाइड कर लिया। ये घटना बिल्कुल समस्या परे है, ऐसा कभी संभव नहीं है, ना हो सकता है, और है तो हमने ये कहा है उनसे, अगर ऐसा है तो आप इसे खोल कर केस को खोलिए, तथ्य दिखाइए उसमें क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, उसमें बताइए कि इस प्रकार से ये घटना हुई है। जिस जगह की ये घटना है वहाँ 9 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, अगर चाहते तो उनकी सारी फुटेज निकाल कर खंगाल सकते थे। कैमरे की एक फुटेज इन्होंने निकाली है जिसमें कह रहे हैं कि हमारे को समझ में नहीं आ रहा, हमने ये लैब पर भेजा, वहाँ भेजा, मतलब फिलहाल लोग घुमाने फिराने वाली बात है और कुछ नहीं है। तो ये हमने आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया है और एक सप्ताह का समय और निर्धारित किया है, अगर एक सप्ताह के अंदर ये मांगे नहीं मांगी गई, इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो ये परिवार अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर यहाँ बैठेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी शासन और प्रशासन की।